वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू सक्सेस मंत्र बाय जय मलिक. टुडे और चैप्टर इज लैडर ऑफ सक्सेस इन लाइफ. हमने इस लैडर ऑफ सक्सेस, सफलता का क्या, सफलता की सीढ़ी है, सफलता की क्या सीक्रेसी है, सफलता, सफल लोग कैसे, कौन होते हैं, क्या करते हैं, असफल लोग कैसे रह जाते हैं, तो ये इसमें हम बताएंगे. हमने नीड डिजायर एंड गोल सेटिंग की वीडियो डाल चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गोल मस्ट बी सेट. सेकंड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हो. थर्ड में प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों टॉपिक पर वीडियो डाल चुके हैं. आज डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, जब ये तीन चीज हो जाएं तो सफल होने के लिए डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, पैशन एंड ऑब्सेशन, संघर्ष, जुनून क्या है, इस विषय में बात करेंगे. क्योंकि इसके बाद संघर्ष, डिटर्मिनेशन, ऑब्सेशन की बात आती है. देखिए, डिटर्मिनेशन, सफल लोग, आप कोई व्यापारी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई एक अच्छा डॉक्टर है, या कोई आईएएस ऑफिसर है, अगर उस उन के विषय में सोचेंगे, उनकी सफलता के बारे में पता करेंगे, तो आपको लगेगा कि उनमें ये सब क्वालिटीज मिलेंगी. डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, वो एक बार जो गोल सेट कर लेते हैं, निश्चय, दृढ़ निश्चय होता है, तो उससे डिगमगाते नहीं है. तो उसके बाद देखिए कमिटमेंट. कमिटमेंट क्या होता है, जैसे कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर उसको कोई काम देता है कि ये 10 दिन में आपने करना है, और वो जो आदमी होता है वो कमिट करता है, तो वो हो सकता है 9 दिन में उस काम को कर देते हैं, ये वो सफल लोग होते हैं. तो इसी तरह फिर पैशन, पैशन, अभिरुचि, आपकी रुचि, पैशन क्या है, बिना पैशन के आप किसी गलत गोल को चुनेंगे तो असफल रहेंगे. फिर ये ऑब्सेशन कब बन जाता है, संघर्ष, जुनून. जुनून क्या होता है, देखिए जब आपका कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, आपका ऑब्सेशन बन जाए, जुनून बन जाए, तो सफल लोगों में प्राय ये चीज पाई जाती है, वो जुनूनी होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑब्सेशन, जुनून. जुनून क्या होता है, जुनून धुन, एक धुन हो जाती है, उन एक ही धुन में लीन, सनकी, ऑब्सेसिव होते हैं ये लोग, मनोगृष्टि, स्थिर विचार, केवल अपने विषय में लीन रहना इत्यादि, अपने बारे में ही सोचना. देखिए ऑब्सेशन, बैड ऑब्सेशन भी हो सकता है और गुड ऑब्सेशन भी हो सकता है. तो मैं यहाँ पर गुड ऑब्सेशन की बात करूंगा, उन लोगों की जो ऑब्सेसिव, अच्छे काम के लिए जो जुनूनी होते हैं, ऑब्सेसिव होते हैं, उनके विषय में करूंगा. कहते हैं ना, व्हाई आर पीपल सो ऑब्सेस्ड विद मनी, धन के पीछे लोग इतने जुनूनी क्यों हैं, तो या ये कह सकते हैं ही इज इन द ग्रिप ऑफ ऑब्सेशन. ऑब्सेशन ये नाउन है, ऑब्सेसिव एडजेक्टिव है. तो ये कौन लोग होते हैं, और ये किसी भी सफलता को, बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए ऑब्सेशन का होना बहुत जरूरी है. व्यक्ति मस्ट बी ऑब्सेसिव, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे. क्योंकि जो लोग असफल होते हैं, वो एक जीन में क्या है, ये स्थिर विचार, केवल अपने विषय में लीन रहते हैं, एक टाइम पे एक विचार होता है, तो वन वर्क वन टाइम, ये इस हिसाब से चलते हैं, और ये फिर अपने पे ही स्थिर रहते हैं, जो अपने विषय पे लीन रहते हैं, ये किसी दूसरे विषय पर इनका ध्यान ही नहीं जाता, केवल अपनी और अपनी गतिविधियों में ही रुचि रखते हैं. और ये कहते हैं आई मस्ट डू इट बेटर देन एनीवन, आई मस्ट डू, मैं सबसे बढ़िया काम करूंगा, ये इनका होता है. तो सफलता है, सफलता देखिए जीवन के दो पहलू हैं. तो जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनमें ये जुनून मिलेगा काम के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति और अपने प्रति. तो देखिए असफलता से ये लोग घबराते नहीं हैं. देखिए इंडिया में दो बड़ी मिसालें बनी थी, जो एक पृथ्वी थी, दूसरी अग्नि थी. तो APJ अब्दुल कलाम
भी कई बार असफल हुए हैं, और उस और आपने सुना होगा थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, कितने हजारों बार वो असफल रहे, लेकिन वो काम करना छोड़ते नहीं हैं। सफल व्यक्ति गलतियों से सीखते हैं, और असफल व्यक्ति की प्रॉब्लम ये है कि वे अपने को अपनी नज़रों में गिरा देते हैं, और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, कि उनको ये लगता है कि समाज को, रिश्तेदारों को, परिवार को तो मैं हम क्या कहेंगे। असफल होने पर उनको फेस करना पड़ता है समाज को, रिश्तेदारों को, परिवार को, पेरेंट्स को, तो वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। लेकिन जो जुनूनी व्यक्ति होते हैं, जो ऑब्सेसिव लोग हैं, वो अपना काम नहीं रोकते हैं, और असफल व्यक्ति जब हार मान लेते हैं, जब वो सफलता के बिल्कुल एक कदम पीछे रहते हैं, यही उनका असफल होने का कारण। और हार मान जो हमेशा कभी जिंदगी की, देखिए जिंदगी की दौड़ बहुत लंबी होती है, हमने देखा है कि कई बार जो बच्चे स्कूली शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा में हमेशा पास होते हैं, प्राय जिंदगी की दौड़ में वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो पास होते रहते हैं, पास हो रहते हैं, लेकिन एक बार असफल होते वो अपना उनका विश्वास डिगमगा जाता है, और वो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये काबिलियत नहीं है। जबकि जो सफल व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो बार बार खड़े होते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन वो अपना प्रयास बंद नहीं करते, वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सफलता नहीं मिलती है, हर जगह किताबी ज्ञान काम नहीं आता है, कई बार मुट्ठी बंद करके लड़ना भी पड़ता है, तो सफल व्यक्तियों में ये चीज पाई जाती है, तो उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन उनके काम आता है। कहते हैं ना कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर क्या देखना कद कितना है आसमान का। तो देखिए बने बनाए रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते बनाए वही तो सफल इंसान है। तो आई थिंक इट इज ओके व्हाट इज ऑब्सेशन। इस चैप्टर में सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, पैशन एंड ऑब्सेशन कितना जरूरी है सफल होने का। हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।